दोस्तों सभी का स्वागत है हमारे चैनल द गीकी मॉम में। दोस्तों जियो फोन 1 और 2 दोनों में ही अब व्हाट्सएप एक्चुअल में अवेलेबल है और आप जो है जियो ऐप स्टोर में जाकर के इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे जियो फोन है जिनमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो नहीं रही है और उसके बाद दोस्तों होना क्या था, उसके बाद इतने सारे वीडियो की भरमार हो चुकी है यूट्यूब में। कोई जो ये बोल रहा है कि भाई ये कर लो, कोई बोल रहा है कि वो चीज कर लो, इससे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई कौन सी एक्चुअल में सही है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 2-3 चीजें हैं जो उन पर्टिकुलर वीडियोस में बताया गया है और उन सारी ट्रिकों को मैंने यूज किया। मैंने कहा देखिए भाई इनमें से वाकई में कोई काम भी करती है कि बस फर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो मैं सोच रहा था एक्चुअल में वही था रीजन उस पर्टिकुलर ऐप के इंस्टॉल नहीं एक्चुअल में होने का। सो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपसे यही सब चीजों के बारे में बात करी है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों जो मैंने नॉर्मल तरीके से व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की कोशिश करी थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिंपली मैंने अपने जो है जियो फोन को मैंने लिया था, उसमें मैं जियो ऐप स्टोर में मैं गया और वहां पे मैंने नीचे स्क्रॉल करता गया। स्क्रॉल करने के बाद मुझे दिखा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मुझे दिखने के बाद मैंने कर लिया उसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर मैं देख रहा हूँ कि इंस्टॉल वाले बटन मैंने क्लिक तो कर दिया लेकिन वो इंस्टॉलिंग हो रहा है लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रहा। उसके बाद भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने कहा भाई ये होगा कैसे, सब लोग इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भाई दिखा भी दिया कि हाँ देखो ये इंस्टॉल हो रहा है। एक्चुअल में दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, तो एक जो वीडियो थी जो मुझे लगा कि चलो देखिए भाई ट्राई हम करके देखें, उनका एक्चुअल में क्या नाम था कि आप अपने फोन को रीसेट करिए और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा। मैंने कहा चलो भाई क्या पता कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम हो, कुछ और इश्यूज हो। तो मैंने कर लिया अपने फोन को रीसेट, फोन में कुछ था नहीं, कॉन्टेक्ट को मैंने ट्रांसफर कर दिया सिम में और उसके बाद मैंने फोन को कर दिया रीसेट। नॉर्मल मैंने रीसेट किया तभी नहीं हुआ, फिर मैंने कहा चलो भाई इसको फैक्ट्री हार्ड रीसेट करते हैं, वो भी जो है मैंने किया। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पे मैंने उसको भी करने के बाद फिर मैंने दोबारा से ये व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने की कोशिश करी। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मैंने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने की कोशिश करी, वही सिंपली प्रोसेस जियो ऐप स्टोर में गया और वहां पे गया और वहां पे नीचे जाके मैंने स्क्रॉल किया व्हाट्सएप को और वहां पे जाकर के भी मैंने इंस्टॉल पे बटन तो मैंने दबा दी लेकिन एक्चुअल में इंस्टॉल नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई अभी भी नहीं हो रहा, काफी देर इंतजार किया लेकिन नहीं हुआ। फिर दोस्तों फिर मैंने एक और वीडियो देखी, उसमें उन्होंने ये चीज बताया कि भाई एक्चुअल में बात ऐसी है कि जो जियो ऐप स्टोर है उसका जो साइज था वो एक्चुअल में कम था पर जो व्हाट्सएप आ गई है उसका साइज बड़ा है, तो जिसकी वजह से जियो ऐप स्टोर का जो एक्चुअल में जो उसकी स्टोरेज है वो ना फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से ये कई फोन में ऐसे इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा हो सकता है, तो मैंने कहा उसने ये भी बोला इसी के साथ में मतलब जियो ऐप स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए। मैंने कहा अगर ऐसा है तो लेट्स ट्राई दैट। तो भाई मैं उसके पास सिंपली गया मैं दोबारा से जियो ऐप स्टोर में और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करी। नरेंद्र मोदी जी का एक ऐप है नमो ऐप, इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करी, क्लिक किया तुरंत इंस्टॉल हो गया, ये दोनों तरीके कट हो गए। अब भाई बात आई कि भाई किया क्या जाए, मुझे इंस्टॉल करना था व्हाट्सएप एंड इट वॉज नॉट इंस्टॉलिंग इट। तो मैं सिंपली मैंने कहा कि अब भाई कोई सोल्यूशन देखते हैं, रिसेट भी कर चुके हैं, सब चीज कर चुके हैं, तो मैंने कहा कि क्या किया जाए। फिर मैंने सिंपली फोन मिला दिया भाई जियो कस्टमर केयर में, जियो कस्टमर केयर में 199 पे मैंने फोन मिलाया, वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। क्या चीज मिली ये सुनिए। कृपया ध्यान दें, जियो फोन पर व्हाट्सएप संबंधित सूचना और जियो टीवी पर चैनल संबंधित जानकारी इस हेल्पलाइन पर उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए 1991 नंबर पर कॉल करें। जी हाँ मतलब 1991 नंबर पे आप कॉल करेंगे उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ये यहाँ की। तो मैंने फिर से दोबारा 1991 दोबारा से मैंने मिला दिया, ठीक है, और वहां पे इन्होंने सिंपली बोल दिया कि भाई ये आ चुका है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या इश्यूज है, कुछ नहीं बताया, ठीक। तो अब मेरे पास भाई सॉल्यूशन अभी भी नहीं था, मैंने कहा भाई क्या करें। आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने एक जियो स्टोर में गया था, तो वहां मैंने जिस मैनेजर से बात की थी उसका मेरे पास नंबर था, मैंने मिला दिया उसको फोन और उसने देखिए मुझे क्या बताया।
हाँ सर, मुझे एक इशू आ रहा था, ये सर जियो व्हाट्सएप में क्या इंस्टॉल नहीं हो रहा, मतलब जियो फोन में क्या व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं हो रहा है? नहीं तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, बहुत देर से इंस्टॉल लगा रखा है, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। अच्छा तो अच्छा, मैं अगर बाय द वे आपके स्टोर में आता हूँ तो क्या ये आप वहाँ से मुझे डाउनलोड करके दे आप सकते हैं? ऐसा नहीं, आप आइए, जो आपकी हेल्प करने वाली होगी उसकी हेल्प आपके यहाँ कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ओके। भाई इन्होंने मुझे ना बता दिया कि भाई देखिए आपके वहाँ की नेट की स्पीड स्लो आ रही होगी, ऐसा कुछ इशू हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई नेट की स्पीड स्लो आ रही है तब भी देख लेते हैं। मैंने अपने वाईफाई के कनेक्शन से मैंने इसी पर्टिकुलर फोन को मैंने कनेक्ट किया और मैं आपको बता दूं मेरे जो वाईफाई की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 50 Mbps की है, मतलब 50 Mbps के हिसाब से स्पीड आती है। तो भाई जियो ऐप स्टोर कितना, जियो सॉरी जो ये व्हाट्सएप है वो कितना बड़ा होगा, वो एक्चुअल में इंस्टॉल हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये नया नया पर्टिकुलरली ऐप इन्होंने जो ऐप स्टोर में डाला हुआ है, तो हम आपसे बोलेंगे कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा और ज्यादा इंतजार कर लें और आप देखें एक दो दिन के अंदर ये पर्टिकुलरली ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होने लगेगा। फालतू में पैनिक होने की जरूरत नहीं है और भाई आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में बने रहे, फालतू के वीडियोस पे भरोसा करके फालतू में फोन को रीसेट ना करें, फालतू में किसी और चीज में उलझे ना, केवल थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है यार। भाई दो तीन दिन इंतजार कर लेंगे, उसके बाद एक स्टेबल जो है वर्जन आ जाएगा व्हाट्सएप का, तो भाई कोई उसमें बुराई नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी भाई लोग हैं जिन्होंने ये भी बताया कि व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर थोड़ा सा और इंतजार कर ले, उसके बाद आपको व्हाट्सएप का जो ऐप है वो आपके फोन में बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही बोला गया था जो जियो स्टोर का मैनेजर है उसके थ्रू, ठीक है, उसने बोला कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई ये चीज अपने चैनल पे मत आप लेकर के आइएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ऑफिशियली इस चीज को बोला नहीं चाह रहे, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि जो इनका व्हाट्सएप आया हुआ वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एक दो दिन इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको एक स्टेबल वर्जन मिल जाएगा। तो भाई खुशी की बात यह है कि जियो फोन में भी व्हाट्सएप चलेगा, तो हो जाइए खुश और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो दोस्तों थैंक यू।